अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली अमित। रबी अव्वल की चांद दिख गई है, उसके हिसाब से मैं नौ चंद डेज का वीडियो डाल रही है कि अक्टूबर में किस दिन पड़ेगी। इसको आप नोट कर लीजिए अपने पास। सबसे पहले दिन लिखी है, उसके बाद इंग्लिश डेट लिखी हुई यानी कि कैलेंडर डेट, उसके बाद इस्लामिक डेट लिखी हुई यानी कि चांद का डेट। सबसे पहले फर्स्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट अक्टूबर, 1 अक्टूबर को दिन होगा हफ्ता का और इस्लामिक डेट होगा 4। तो ये नौचंदी हफ्ता का दिन है। अगर किसी ने नौचंदी हफ्ता का रात अमल करनी है तो वो जुमा का दिन गुजार करके जो रात आएगी उस रात को अमल करना होगी। इसके बाद इतवार, रविवार, संडे और इंग्लिश डेट होगा 2, इस्लामिक डेट होगा 5। इसके बाद मंडे, पीर, सोमवार, जो भी कह लो, इंग्लिश डेट होगा 3 और इस्लामिक डेट होगा 6। इसके बाद ट्यूसडे, मंगल का दिन, इंग्लिश डेट होगा 4, इस्लामिक डेट होगा 7। नौचंदी मंगल का दिन होगी। इसके बाद वेडनेसडे यानी कि बुध का दिन, इंग्लिश डेट होगा 5 और इस्लामिक डेट होगा 8, ठीक है। इसके बाद थर्सडे यानी कि नौचंदी जुमेरात का दिन, इंग्लिश डेट होगा 6 और इस्लामिक डेट होगा 9। इसके बाद जुमा, ये इंग्लिश डेट होगा 7 और इस्लामिक डेट होगा 10, ठीक है। ये सारा नौचंदी डेज है यानी कि चांद का 4 से लेकर के 10 तक, 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो दिन होती है सारा नौचंदी का दिन होती है। इसके बाद पूर्णिमा, पूर्णमासी, जो भी कह लो, इंग्लिश डेट होगा 11, दिन होगा ट्यूसडे यानी कि मंगल का दिन और इस्लामिक डेट होगा 14, ठीक है। अब अगर किसी ने पूर्णमासी का रात को अमल करनी है तो उसको क्या करना होगा, 10 तारीख का दिन गुजार करके, यानी कि 10 तारीख को पीर का दिन होगा, 10 तारीख का दिन गुजार के जो रात आएगी वो मंगल का रात लगी होगी और चांद का 14 डेट लग चुकी होगी, तो वो पूर्णमासी का रात होगी, उस वक्त आपको अमल करना होगी। इसके बाद अमावस की तरफ आ जाती है। जो अमावस है वो इंग्लिश डेट होगा 25 और दिन होगा ट्यूसडे, मंगल के ही दिन, इस्लामिक डेट होगा 28। आप अगर किसी ने इसका अमावस्या का रात को अमल करनी है तो उसको बिल्कुल वही वाला तरीका, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा कि मंडे का दिन यानी कि पीर का दिन गुजार करके, पीर को 24 डेट होगा, पीर का दिन गुजार करके जो रात आएगी वो मंगल का रात लग चुकी होगी और इस्लामिक डेट 28 लगी हुई होगी, तो उस वक्त वो अमल कर सकती है। ये आप नोट कर लो। अस्सलाम वालेकुम।